नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले आरोप पर सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने ये कदम उठाया है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने देर रात मुंबई, नागपुर समेत महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीआई की टीम पीपीई किट पहनकर ये छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख फिलहाल नागपुर में हैं और वहां भी एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई इससे पहले पूर्व गृह मंत्री से 11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार, रेस्तरा और होटल से पैसा इकट्ठा करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख को 14 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि देशमुख शुरुआत से अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी उनका बचाव किया था, लेकिन सीबीआई जांच के मद्देनजर देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनिल देशमुख पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर पर संजय राउत ने कहा कि सीबीआई का एजेंडा है, साथ ही हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उस पर अभी किसी प्रकार का मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई पहले रखी है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास इसी साल 25 फरवरी को एक संदिग्ध कार मिली थी। इसमें जेलेटिन की 20 छड़े बरामद हुई थी। इस मामले की जांच शुरुआत में मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने 13 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इस केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।